Welcome to the channel Make Creo. You can subscribe this channel for more videos on mechanical engineering. Hello guys, आज के इस वीडियो में आप सीखोगे कि रिब कमांड के अंदर से ट्रेजिटरी रिब कमांड किस तरह से हमको यूज़ करना है. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम प्रोफाइल कमांड किस तरह से यूज़ करेंगे. अभी हम देखेंगे कि हाउ टू यूज़ द रिब ट्रेजिटरी रिब कमांड इन ए पार्ट मॉडलिंग. ओके, सो पार्ट मॉडलिंग के अंदर क्रियो पैरामीटर में किस तरह से यूज़ होगा ये देखेंगे हम सबसे पहले. तो आपको क्या करना है, ट्रेजिटरी रिप करने से पहले आपको एक शेल कमांड यूज़ करना पड़ेगा. शेल कमांड सेलेक्ट करो एंड सेलेक्ट दी सरफेस. सरफेस सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको थिकनेस दे सकते हो. 15 इतना थिकनेस दिया मैंने, यहाँ से इसको यस क्लिक कर दिया. ठीक है, यू कैन सी द ऑब्जेक्ट और द पार्ट इन द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन. डिफॉल्ट ओरिएंटेशन देखने के बाद में यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ट्रेजिटरी रिप. ट्रेजिटरी रिप कमांड सेलेक्ट करो. ट्रेजिटरी रिप कमांड सेलेक्ट करने के बाद में सिमिलरली आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसका प्लेन सेलेक्ट कर सकते हो. तो डिफाइन करना है यहाँ से और ये अपर प्लेन सेलेक्ट करना है. अपर प्लेन सेलेक्ट किया हमने यहाँ से और इसको स्केच कर दिया है. देन गो टू द मेक दिस प्लेन पैरेलल टू द स्क्रीन. अभी सबसे पहले हमको क्या करना है, जो इनर वॉल्स की जो हमारी एजेस थी उस इनर वॉल्स की एजेस के ऊपर रेफरेंसेस लेना है. और रेफरेंसेस लेने के बाद में इस तरह से यहाँ पर जो भी जिस किसी शेप का आपको यहाँ पर प्रोफाइल बनाने, उस शेप का आप यहाँ पर प्रोफाइल बना सकते हो. इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रोफाइल बनाई है, मैं इस तरह की प्रोफाइल बना के यहाँ पर इसको फिनिश कर सकता हूँ. ठीक है, यहाँ पर इस तरह से मैंने प्रोफाइल बनाई है. देन ये प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद में आपको ओके क्लिक करना है. ओके क्लिक करके आप यहाँ पर डिफॉल्ट ओरिएंटेशन में देख सकते हो जैसा मैंने प्रोफाइल बनाया था. अकॉर्डिंग टू दैट प्रोफाइल यहाँ पर क्या हो रहा है, मटेरियल ऐड हो रहा है इनर साइड के अंदर. ठीक है, तो इस तरह से हम रिब कमांड कर सकते हैं, मतलब कंपार्टमेंट्स इसके अंदर पुटअप कर सकते हैं. यहाँ से आप उस जो हमने रिब्स बनाई उसको ऐड ड्राफ्ट भी कर सकते हो. उसी के साथ जो इनर एजेस रहेगी हम उस एजेस को यहाँ पर इस तरह से ऐड राउंड्स भी कर सकते हैं. एंड थर्ड वाला जो ऑप्शन है हमारे पास में, ऐड द राउंड ऑन द एक्सपोज एजेस. तो ये तीन कमांड्स हम इसके ऊपर, ये तीन ऑपरेशन हम इन रिब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. उसी के साथ हमको अगर थिकनेस चेंज करना है तो हम थिकनेस भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं. एंड जस्ट क्लिक द यस बटन. जैसे यस बटन आप क्लिक करोगे तो यू कैन सी हमने जैसा प्रोफाइल बनाया था अकॉर्डिंग टू दैट प्रोफाइल हमने यहाँ पर क्या किया, इसको रिब्स यूज किए. मतलब दैट रिब इज नथिंग बट द ट्रेजिटरी रिब. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.